कनेक्ट एफएम दे इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अज दियां मुख्य खबरां। डॉक्टर बॉनी हेनरी ने बीसी विच एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बारे किया अहम ऐलान। कहा इस वैक्सीन संबंधी हासिल होंगे दो ऑप्शन। वैनकूवर च बेघर व्यक्ति ते सड़क विचाले चढ़ी गड्डी, हस्पताल च पीड़ित ने तोड़िया दम। लोअर मेनलैंड के गैंग्स नाल संबंधित युवक की गिरफ्तारी, कतल की कोशिश के लगे दोष। फैडरल सरकार ने साझा किया मिसिंग एंड मर्डर्ड इंडिजिनस वुमेन एंड गर्ल्स से नैशनल इंक्वायरी तो बाद एक्शन प्लान। सुखपाल खहरा ने फड़िया कांग्रेस का हाथ, लाइव होके दसी वजह। तो हुण खबरां विस्तार दे नाल। बीसी दी प्रोविंशियल सेहत अफसर डॉक्टर बॉनी हेनरी ने अज जानकारी दिती है कि सूबे दे लोकां कोल हुण वैक्सीन हासिल करन दे दो तरीके मौजूद होणगे। उन्हां कहा कि एक ऑप्शन तो यह होगी कि जिहड़े लोकां ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की सी, वो इसे वैक्सीन की दूजी खुराक हासिल कर लैन। उन्हां कहा कि सूबे वल्लों ये पुख्ता किया जाएगा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हासिल करन दे चाहवान लोगों तक इस वैक्सीन नू उपलब्ध करवाया जाए। उन्हें यह भी दस्या कि सूबे दियां फार्मेसियां ते वैक्सीन सोमवार तो उपलब्ध होगी। डॉक्टर बॉनी हेनरी ने दस्या कि दूजा तरीका यह होगा कि जेकर तुसी एस्ट्राजेनेका की पहली खुराक हासिल की सी पर तुसी फाइजर या मोडरना की वैक्सीन की दूजी खुराक हासिल करना चाहते हो तो यह वैक्सीन की खुराक हासिल की जा सकेगी। याद रहे बीसी विच वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेजी नाल वध रही है। बीसी वैक्सीन दियां कुल 34,26,827 खुराकां प्रदान हो चुकी हैं। इस दौरान 2,29,585 लोगों को वैक्सीन दियां दोवें खुराकां हासिल हो चुकी हैं। सूबे के 18 साल तो वधेरे उम्र के 71.8% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। So people who received AstraZeneca in March and April, you have two choices now. You can receive a second dose of AstraZeneca vaccine, and we will ensure that we have enough AstraZeneca available to for everybody who wants to receive their second dose of AstraZeneca. The other option that you have, if you wish to, is to receive a messenger RNA as your dose two. Again, after 8 weeks minimum, and there's some evidence that waiting for both of these to 12 or 13 weeks is somewhat better. You can receive a dose of the messenger RNA, so Pfizer or Moderna, through our mass clinics across the province. Aj BC ch COVID-19 de 199 mamle report hoye hain. Lagatar teeje din BC ch 200 to ghat mamle report hoye hain. Is to pehla bite kal 194 mamle report hoye sa. सूबे च दो वायरस पीड़ितों के दम तोड़न बारे दस्या गया जो कि दुख की खबर है। हुण बीसी च कोविड-19 के कुल मामलों की गिणती 1,44,866 तक पहुँच गई है। बीसी की प्रोविंशियल सेहत अफसर डॉक्टर बॉनी हेनरी ते सेहत मंत्री एडवियन डिक्स वालों अज के मामलों की जानकारी साझी की गई है। सूबे च वायरस संबंधी मौतों की गिणती 1709 हो चुकी है। बीसी च वायरस संबंधी एक्टिव मामलों की गिणती 2563 दसी गई है। वैनकूवर पुलिस वालों एक बेघर व्यक्ति की मौत की घटना की जांच की जा रही है। इस व्यक्ति ते उस मौके एक गड्डी चढ़ गई सी जदों डाउनटाउन ईस्ट साइड के इलाके विच लेन वे ते सौं गया सी। सर्जेंट स्टीव एडिसन ने दसिया कि कई पदरां ते दुखदाई अते निराश करन वाला मामला है। उन्हां कहा कि घटना अजिहियां परिस्थितियां च वापरी जो भयानक सन पर जिस तों बचा किया जा सकता सी। उन्हां कहा कि घटना नूं किसी शक्की मामले नाल जोड़ के नहीं वेख्या जा रहा। पीड़ित की उम्र 39 साल दसी गई है। यह व्यक्ति कथित तौर पर गोर स्ट्रीट और यूनियन एवेन्यू के इलाके 26 मई को ड्रग्स लेंदे हुए एक पार्केट के गेट के सामने दोपहर करीब 3:30 बजे सौं गया सी। दसिया गया कि हेठली पार्किंग वल जाते एक वाहन चालक ने गलती तो इस व्यक्ति ते गड्डी चढ़ा दिती। इस व्यक्ति को हस्पताल पहुँचाया गया पर मंगलवार को उसने दम तोड़ दिता। जांच तो बाद अते सिक्योरिटी फुटेज वेखण तो बाद वाहन चालक खिलाफ कोई टिकट जारी करन जां कोई दोष लगाउण ते काम नहीं कीता जा रहा। न्यू वेस्टमिंस्टर विच कोलंबिया स्काई ट्रेन स्टेशन दे बाहर हुई चाकू चलण दी वारदात विच कतल दी कोशिश दे दोष लगे है। घटना शनिवार नूं वापरी सी। अफसरां नूं स्टेशन दे बाहर तड़के करीब 2 बजे सद्या गया सी। मौके ते इक व्यक्ति बेहद गंभीर जख्मी हालत विच मिलिया सी। लोअर मेनलैंड एमरजेंसी रिस्पोंस टीम अते कंबाइंड फोर्सेस स्पेशल इनफोर्समेंट यूनिट नूं शक्की दी भाल विच मदद लई सद्या गया सी। इस मामले च मुरीद गुलाम नाम दे शक्की नूं हिरासत विच लिया गया।
इस व्यक्ति नूं लोअर मेनलैंड दे गैंग्स नाल संबंधित दस्या जा रहा है। इस दी उम्र 26 साल है। इस व्यक्ति ते कतल दी कोशिश दे दोष लगे है। बीसी विच बीते दिन 14 इलाकियां च गर्मी दे रिकॉर्ड टुट गए है। इस विच इक अजिहा रिकॉर्ड भी टुट गया जो कि साल 1922 विच यानी कि करीब 100 साल पहला स्थापित होया सी। पेंबल्टन दे इलाके विच सब तो गर्म तापमान वाली 2 जून कल तो पहला 1922 विच दर्ज हुई सी। उस मौके इलाके का तापमान 33.3 डिग्री ते दर्ज होया सी। कल रिकॉर्ड उस वेले टुट गया जद इस इलाके का तापमान 33.5 डिग्री तक पहुँच गया। इस तो अलावा ट्रेल इलाके साल 1937 का रिकॉर्ड टुट गया। जिहड़े बाकी दे इलाकियां विच गर्मी दे रिकॉर्ड टुटे उस च केलोना, ओसुयस, कैमलूप्स, वर्नन, पेंटिंगटन, क्रेस्टन, समरलैंड, प्रिंसटन, क्रैनब्रुक अते गोल्डन दे इलाके शामिल हन। फैडरल सरकार ने अपना एक्शन प्लान लॉन्च कर दिता है जिस नाल नैशनल इंक्वायरी इन टू मिसिंग एंड मर्डर्ड इंडिजिनस वुमेन एंड गर्ल्स ते रिस्पोंड कीता जावे। अज दसिया गया कि फैडरल सरकार किस रस्ते ते चलदियां इंक्वायरी दियां इंसाफ लई 231 कॉल्स नूं एड्रेस करेगी। नैशनल फैमिली एंड सर्वाइवर सर्कल तो डिनीज पिटोक मेलनी ने कहा कि 215 बच्चों के अवशेष मिलने तो बाद देश जाग गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सरकार वालों वादा किया जा रहा है कि इंक्वायरी विच पाए गए सिस्टम बैरियर्स नूं खत्म करने लई फंडिंग भी प्रदान होगी और टारगेटेड प्रोग्राम भी लियांदे जाणगे। Our pathway is a holistic approach to ending this national tragedy, and to implement it, we'll invest an additional $2.2 billion starting this year. Buckingham Palace da kehna hai ki Queen Elizabeth II di America de rashtrapati Joe Biden naal mulaqat hovegi. UK vich agle hafte hon wale Group of 7 Leaders Summit dauran eh mulaqat Windsor Castle ch hovegi. 11 to 13 June de summit ch aakhri din जो बाइडन अते उन्हां दी पत्नी जिल बाइडन दी क्वीन नाल बैठक होवेगी। याद रहे इस समिट विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी हिस्सा लैण पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो बागी होके वक्खरी पार्टी बनाउण वाले सुखपाल खहरा अज कांग्रेस विच शामिल हो गए हैं। उन्होंने 3 विधायकों नाल कांग्रेस विच वापसी की है। सुखपाल खहरा ने फेसबुक लाइव होकर दसिया कि कांग्रेस विच शामिल होण दी वजह की रही। उन्हें दसिया कि अज कांग्रेस विच शामिल हो गए है। उन्हें कहा कि बहुत सारे विद्वानों की राय लई जिस तो बाद जगदेव सिंह कमालू और परमल सिंह खालसा नाल फैसला लिया कि सानू आने वाले समय विच की करना चाहिए है। उन्हें दसिया कि सब की राय सी कि पंजाब की राजनीति विच जेकर सक्रिय रहना है जां रेलेवेंट रहना है तो कोई चंगा प्लेटफॉर्म चुनना जरूरी होगा।